कुछ ना करने वाला, गठबंधन ऐसे ही बिखर जाएगा। वो गठबंधन चाहे कितना भी बंधन बन जाए, गठबंधन बन जाए, उसे कोई महत्व नहीं है। मोदी जी हमारे झंडा फहराएंगे तो फहराएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी तो अच्छे कोई नहीं, जैसे हमारे मोदी चल रहे वो सबसे अच्छे। मोदी जी एक सच्चे देशभक्त हैं और उनके ना कोई परिवारवाद है ना ही कुछ है। नीतीश जी से पूछिए कि आप अगली बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप तो मिनट मिनट में कभी आप बीजेपी के झोले में आके बैठ जाते हैं, कभी आप लालू प्रसाद की तरफ चले जाते हैं। लालू जी पहले चारा तो घोटाला कर लें और दो चार घोटाले कर लें। जेल में गया हुआ बंदा जो अभी बाहर निकला है जमानत पे, वो प्रधानमंत्री बनेगा कि गुजरात में मेरी पूरी बहुमत आएगी, दिल्ली को मैं झीलों का शहर बनाऊंगा, हम सब ने देखा है। आप वो छत्तीसगढ़ में गया कि मैं 3,000 रुपए बेरोजगार को दूंगा, दिल्ली में कितने बेरोजगार को उसने दिया है। राहुल गांधी भी बोला, भाई देख लो मोदी जी को हराओ, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो चले जाएंगे विदेश। अब बात कही जा रही है कि मोदी जी अगली बार लाल किले से झंडा नहीं फहराएंगे, नीतीश कुमार की पार्टी ने ये बात बोली, आपको क्या लगता है? वो तो ऐसे ही बेकार की बात बोलते हैं, झंडा क्यों नहीं फहराएंगे? जनता चुनेगी नहीं इस बार मोदी, वैसा ही जनता क्यों नहीं सुनेंगे। गठबंधन बना लिया है INDIA के नाम से। वो गठबंधन चाहे कितना भी बंधन बन जाए, गठबंधन बन जाए, उसे कोई महत्व नहीं है। मोदी जी हमारे झंडा फहराएंगे तो फहराएंगे ही। मोदी जी ही आएंगे? मोदी जी आएंगे। क्या कारण है मोदी जी क्यों आएंगे? अब तो देखिए बच्चों को कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गांधी है, देखिए युवा चेहरा बताते हैं अपने आप को कांग्रेस का, वो कुछ नहीं, वो मोदी रंगे सब कुछ भी आ जाने, नेता मोदी से ज्यादा अच्छा नहीं है। मोदी से अच्छे नेता नहीं मिल रहे कोई? ना ना कोई नहीं, मोदी से अच्छे कोई नहीं, जैसे हमारे मोदी चल रहे वो सबसे अच्छे। मोदी जैसे कि चांद पे पहुंच गए, आज तक कोई बंदा नहीं है ऐसा देश में कि जो चांद पे जा सके। ऐसा इसका क्रेडिट तो नेहरू जी को मिलना चाहिए। अरे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मोदी खुदाई करने से नहीं होता है ना, उसको पुल भी तो बनाना होता है ना, तो 70 साल में पुल नहीं बनी ना, लेकिन मोदी जी का ने बना दिया ना पुल, तो बस होगा ना। मोदी जी ने चांद पे भेज दिया ना, नेहरू जी की दूरदर्शिता थी, उससे कुछ नहीं होता है। नेहरू जी हो चाहे कोई भी हो, आपने कह दिया, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है ना। ठीक है, देखने चक्कर में हम लोग अपना ड्यूटी छोड़ के आगे है कि चलते हैं मोदी से थोड़ा देखेंगे, अपना सुनेंगे, कुछ नहीं उखाड़ खाएंगे। आपने देखा होगा ना, चोर चोर मौसेरा भाई होता है, तो उनको पता है अगर मोदी जी आ गए ना इस बार तो ये पक्का है कि सारे हम अंदर जाएंगे। तो इसलिए कह रहे, एक बात, हर पार्टी हर दूसरे, जैसे केजरीवाल हो गया, कांग्रेस को काटता जब दिल्ली में आया तो बोला शीला दीक्षित चोर है, उनको जेल भेजेंगे, तो उनके साथ आज गठबंधन बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि वो खुद चोर है, वो खुद चोर है ना। जब चोर के लिए देखा, हम तो कहते कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। आपको मैं लाइव दिखाती, अभी लाई ही नहीं हूँ फोन में, ऐसी ऐसी बुजुर्ग महिला है जिनका कोई आस्था नहीं है कहीं से कि उनको घर चलाए, उनका आस्था 10 साल से उसका पेंशन नहीं बना रहा है वो 10 साल से। आप समझ सकते हैं सीनियर सिटीजन हो के वो 70 साल की हो गई, और 70 साल में सीनियर सिटीजन का पेंशन नहीं बनता है, ये इसलिए चुप है कि सीनियर वाले का 70 हो गया, उनका नहीं बनेगा। ऐसे भूखे मर रहे हैं घर में, लेकिन उनका पेंशन नहीं बना रहा है, और राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है 10 साल से जब से हो गए। मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। आप वो छत्तीसगढ़ में गया कि मैं 3,000 रुपए बेरोजगार को दूंगा, दिल्ली में कितने बेरोजगार को उसने दिया है, किसने बेरोजगार को? बस आती है महिलाएं, अगर 10 खड़ी होगी ना स्टैंड पे, वो बस वाला बस नहीं रोकता है। किस क्या सुविधा देती है ये, कितने बार जाती है बस में, फ्री बस के में, आप बताओ ना। वो कह रहे मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मेरे पास प्लान है देश को नंबर वन बनाने का। तो वो तो चले जाएंगे ना, वो अपने बेटी को सेट कर दिया, पढ़ ही रही है अभी चाहे जो भी कर रही है, बेटे को सेट कर दिया, अपना शीश महल बना लिया, अब वो शीश करके चले जाएंगे ना विदेश। यहाँ तो पब्लिक को क्या है, वो तो वो भी राहुल गांधी भी बोला, भाई देख लो मोदी जी को हराओ, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो चले जाएंगे विदेश। अब इससे क्या समझ सकता है जो बच्चे हैं, वो समझ रहे हैं ना, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो कॉलेज में, सबको पता है कि राहुल गांधी और मोदी जी क्या है। सर मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्दोष है। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव होने वाला है, खास तौर पर अब राजनीति तेज होती नजर आ रही है, किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। अब जो गठबंधन बना लिया INDIA के नाम से, कुछ ना करने वाला, गठबंधन ऐसे ही बिखर जाएगा, ऐसे ही बिखर जाएगा, बिल्कुल। क्या कारण है, मोदी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? क्योंकि मोदी जी एक सच्चे और सच्चे देशभक्त हैं और उनके
ना कोई परिवारवाद है ना ही कुछ है। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं तो कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज। वो नहीं है ईमानदार, वो झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। अभी देखो पानी कितना गंदा आ रहा है और कहते हैं बिल आएगा, बिल नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा, बिल रोज आ रहा है, हर बार आ रहा है, मेरा खुद मेरा ही आ रहा है। महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, खासतौर पर कहा जाता है। हाँ, बसें फ्री कर दी एक तरह से इनको अपनी सीट के लिए, या कैसे ही ये थोड़ा सा इन्होंने गलत किया है, मतलब अपने लिए इन्होंने अच्छा किया कि सोचा कि महिलाओं को इस तरह से मोड़ दिया जाए, ये इन्होंने किया है। बाकी बसें फ्री करने से घर पढ़ी लिखी जनता है और इनको इस तरह से नहीं आना चाहिए अपने इसके इनके बहकावे में। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं प्रतिमा अरोरा। अब जब बात हो रही है चुनाव आने वाले हैं देश में, INDIA एक गठबंधन बन गया है, कह रहे मोदी जी को सत्ता से हटाकर फेंक देंगे इस बार, आपको ऐसा लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कहीं संभव है? और INDIA क्या है? INDOT ऐसे, ये डॉट डॉट जो है ना, ये इनके जो सारे जितने भी नेता मिले हुए हैं ना, वो सबके बीच में डॉट ही है, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए एक हैं और ये एक कभी भी नहीं हो सकते। हर किसी के अंदर मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो आप सारी लिस्ट, आप जितने भी नेता हैं ना सबकी लिस्ट देख लीजिए, सब चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो जब जिनमें एकता ही नहीं है, बीच में डॉट लगा हुआ है, तो वो डॉट हमेशा के लिए डॉट ही रह जाएगा। नीतीश जी से पूछिए कि आप अगली बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, आप तो मिनट में कभी आप BJP के झोले में आके बैठ जाते हैं, कभी आप लालू प्रसाद की तरफ चले जाते हैं, आपकी खुद की अपनी पार्टी पर तो कोई अहमियत नहीं रही, उसमें आपका कोई वर्चस्व नहीं रहा, आप खाली बिहार में तो अपने दम पर पूरे जीत के नहीं दिखा सकते, आप देश में कैसे राज करेंगे? लालू जी जो है वो कह रहे हैं कि अगली बार तो हम तिरंगा फहराऊंगा लाल किला से। लालू जी पहले चारा तो घोटाला कर लें, और दो चार घोटाले कर लें। जेल में गया हुआ बंदा जो अभी बाहर निकला है जमानत पे, वो प्रधानमंत्री बनेगा। आपको पता भी है उनके परिवार पे कितने एलिगेंस लगे हुए हैं, कितने उनके ऊपर केस चल रहे हैं। पहले आप उन सब की सफाई तो दीजिए, आप देश की बंटाधार करने के लिए देश पे राज करेंगे? मतलब आप, मोदी जी राज नहीं कर रहे, वो तो कहते हैं मैं सेवक हूँ देश का। INDIA जो गठबंधन बना लिया है, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे भाजपा को। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुरारी लाल के कुछ सपने, मुंगेरी लाल के कुछ सपने, शायद ये वही है। धरातल पे जो मेहनत करेगा, धरातल पे जो काम करेगा, वही भाजपा है। और मोदी जी जैसे तो मुंगेरी लाल जी कभी बन नहीं सकते। अब जो JDU है, उनका कहना है कि अगली बार मोदी झंडा तक नहीं फहरा पाएंगे, जनता चुनकर नहीं भेजेगी। ये मैंने वही बात आपसे दोबारा से कहनी पड़ेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लालू जी जब बोलते हैं कि लाल किला से हम तिरंगा, उन्होंने ना तब ये भी अभी थोड़े दिन पहले अभी बोला था कि गुजरात में मेरी पूरी बहुमत आएगी, दिल्ली को मैं झीलों का शहर बनाऊंगा। हम सब ने देखा है कैसा झीलों का शहर था, गुजरात में पूरी बहुमत से आएंगे। तो वो शायद मेरे को ये बताने की भी अब जरूरत नहीं है, तो मैं हम सिर्फ हंस सकते हैं इस पे कि जनता बहुत सक्षम है, गरीब से लेकर अमीर तक सब जानते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, भाजपा में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, वो अमीरों के लिए भी कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी योजना ला रहे हैं। MSME देखिए आप, वोकेशनल्स की देख लीजिए आप, लाडली देखिए आप, फूड MSME देख लीजिए, लॉ कितने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांट दिए करोड़ों में, आप संख्या तो देखिए, अगर आप संख्या ही देखेंगे तो वो भी अद्भुत है। सड़कों का निर्माण देख लीजिए, राहुल गांधी कहते हैं देश 20 साल पीछे चला गया जब से भाजपा आई है। आप जब राहुल गांधी जी ने छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा, तो हमें कितने लॉस में थे, कितने करोड़ों के लॉस से निकलने में हमें 4 साल लग गए। आज तो हम तरक्की कर रहे हैं, पूरा विश्व इस टाइम पे क्राइसिस में है सिवाय भारत के। ये अपने में बहुत, हमारी सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह भाई साहब, इन सब की वजह से है कि हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए।